क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि सही सोच, राइट विजन राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच है, आपकी जो विचारधारा जो गलत दिशा में जा रही है, उसको सही दिशा में मोड़ते हैं, ताकि कि आपकी दृष्टि का शुद्धिकरण हो। जब आपको सही दृष्टि मिल जाएगी तो आपकी सृष्टि सही हो जाएगी। कहा भी गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो नज़रिया बदल जाएगा। तो आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपकी दृष्टि को शुद्ध करना पड़ेगा, आपकी समझ को सही करना पड़ेगा, और समझ को सही करना ही सच्चा दर्शन है, और वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, और वहीं से मुक्ति की नींव लगती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सामने। आज का हमारा विषय है अकर्ता भाव से मुक्ति। भाई और बहनों, कर्ता और अकर्ता, ये दो भाव कौन से हैं? देखिए, यह काम मैंने किया, यह मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मकान मैंने बनवाया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं जो है वो बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ। ये सारा कर्ता भाव है, कर्ता भाव का रोपण है, ये आरोपण है, और ये आरोपण ही अज्ञान है, और जहाँ वहाँ अज्ञान है वहीं बंधन है। ये मिथ्या दृष्टि है, और इसको मिथ्या दर्शन भी कह सकते हैं, इसको मोह कह सकते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या मोह, ये तीनों घाती कर्म हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं, और उससे अंतराय लगी होती है, आत्मा का केवल ज्ञान प्रकट होने में अंतराय लगती होती है। और ये तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय साथ में ऑटोमेटिकली टूट जाती है, और केवल ज्ञान रूपी ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो भाई और बहनों, कर्ता भाव। अब अकर्ता भाव क्या है? अकर्ता भाव ये है कि जो मेरा परिवार चल रहा है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उसमें एक निमित्त हूँ। अपने आप को निमित्त समझो। कर्ता का मतलब मालिकीपन, मेरा मकान, मैं लेखक, ये मालिकीपन जहाँ समाप्त होता है वहाँ अकर्ता भाव होता है, और मालिकीपन रहने से कर्ता भाव होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम निष्काम कर्म करो। कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य पीछे से लेकर के आया है। मनुष्य के सामने ऐसा कभी क्षण नहीं आता कि वो कर्म नहीं करता, क्योंकि मन वचन काया से कर्म होते हैं। आप नींद भी ले रहे हो तो भी कुछ कर्म कर रहे हो, आपके भीतर कुछ न कुछ चिंतन विचार चलता रहता है। आपकी आत्मा नहीं सोती, आपकी प्रतिष्ठित आत्मा नहीं सोती, आपका स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा है वह आपकी प्रतिष्ठा करती रहती है नींद में भी। तो कहने करती है मालिकीपन, और मालिकीपन न रहना ये अकर्ता भाव है, मालिकीपन कर्ता भाव है। हम गीता की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करते रहना चाहिए, और जो लगातार कर्म करता है वह कर्मशील कहलाता है। लेकिन कर्मयोगी कौन कहलाता है? उन्होंने कर्मयोगी उसको कहा कि संपूर्ण कर्म करने के बाद
जो रिजल्ट मिलना है अच्छा आए या बुरा आए उसकी तरफ वह चित्त नहीं लगाता, वह उसका चिंतन नहीं करना करता, यानी बिना परिणाम की चिंता किए लगातार कर्म करते रहना वह कर्म योगी कहलाता, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ होता है वह लाभ में हानि में तिरस्कार में समान में ठंड में गर्म में और जो है वो थोड़े में ज़्यादा में सबको समान समझता है, सबके में संतुष्ट रहता है। तो निष्काम कर्म करना यानी वो फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करना है, ये अकर्ता भाव का है भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर। अब देखिए, कर्ता भाव से संसार, कर्ता भाव से बंधन, अकर्ता भाव से मुक्ति। कैसे? आपको बताते हैं कि अगर आप करता रहते हो तो मान लीजिए कि आपने, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक आपका मकान है और एक पड़ोसी का मकान, दोनों एक जैसे बने हुए हैं, तो बच्चों ने क्या खेलते खेलते एक बार जो है आपके जो मकान के आगे जो कांच लगे हुए उनको तोड़ दिया, तो आपके मन में राग द्वेष पैदा हुआ, बच्चों को दोषित देखा आपने और बच्चों को जो है गाली देना प्रारंभ किया आपने, राग द्वेष किया, आप में ममत्व जाग गया, आप में मकान के प्रति मेरापन जाग गया, आपने मकान के प्रति मालिकन मालिक मालिकिना भाव आपके अंदर आ गया, तो वो कर्ता भाव आ गया। अब दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको कि दूसरे दिन जो बच्चे पड़ोसी के मकान की तरफ खेलने लग गए और वो जो है ठीक वो आपके जैसा ही बना हुआ था, उसका दूसरे दिन उन्होंने जो है क्रिकेट खेलते खेलते दूसरे मालिक जो पड़ोसी के जो है कांच के मकान के तोड़ दिए, तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि आपका मालिकन भाव नहीं है, आप जानते हो उसका मालिक पड़ोसी है और ये जो मेरा घर है मालिकाना भाव आते राग द्वेष अज्ञान, और अज्ञान के आती आपका बंधन, और अज्ञान के साथ ही आपका जो है कॉज पड़ गए, और कॉज पड़ने के साथ में आपके भाव बीज पड़ गए, और भाव बीज पड़ के अगले जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं और उसका भुगतान आपको जो है प्रारब्ध और उदय के अनुसार मिलता है। तो देखिए, ये जो मैंने आपको कर्ता भाव और अकर्ता भाव की बात बताई, मालिकी भाव और अमालिकी भाव बताया, एक आपको उदाहरण दूसरा देता हूँ। देखिए, मकान आपका है, आपके नाम रजिस्ट्री है और वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई नहीं ले जाने वाला है। अब आप तो हमेशा सोचते हो कि ये मकान मेरा है, ये कोई इसको ख़राब नहीं कर दे और इसको कोई गंदा नहीं कर देवे, इसको कोई तोड़ नहीं देवे, और ध्यान रखते हो उसके प्रति ममत्व करते हो, तो ये कर्ता भाव है, ये राग द्वेष है, ये ममत्व है, ये मोह है, और आप चिंतन करते हो कि इस मकान का मैं चौकीदार हूँ, इस मकान का मैं कस्टेडियन हूँ, इस मकान का मैं ट्रस्टी हूँ, तो रात दिन का अंतर पड़ गया आपके, उस मकान के प्रति आपका राग द्वेष नहीं रहा, क्योंकि आप तो सोचोगे मकान मेरी नेश्राय में है। जो साधु सन्यासी होते हैं वो अकर्ता भावी होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये कपड़े जो हमने पहन रखे हैं ये मेरी नेश्राय के अंदर है, ये पुस्तक आदि उपकरण है मेरी नेश्राय के अंदर है, यानी उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, मालिक नहीं हूँ। मालिक इन भाव आते ही कर्ता भाव आता है और वहीं से राग द्वेष प्रारंभ होता है। अमालिकी भाव से राग द्वेष नहीं आता है, अमालिकी भाव से तटस्थता रहती है, निष्पक्षता रहती है, कॉज नहीं पड़ते, भाव कर्म नहीं बनते, और भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा और भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। आप कॉज कैसे डालते हो उसके अनुरूप आपको अगला जन्म मिलता है। आप अगर मुक्ति चाहते हैं तो कॉजेज डालना रोक दीजिए,
कोई अभिप्राय, कोई ओपिनियन, किसी के दोष देखना, किसी को दुख देखना, किसी के प्रति बुरे भाव करना छोड़ दिए, आपके कॉजेज पड़ेंगे ही नहीं। जब कॉजेज ही नहीं पड़ेंगे तो अगला जन्म नहीं होने वाला है। मात्र जो आपका डिस्चार्ज बचा हुआ है, आप ज्ञानी हो, ज्ञानी कृपा से आपको ज्ञान मिल गया है, नए कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, नया अकर्ता भाव, मालिकीनी भाव नहीं आ रहा है, तो पिछले जन्मों का जो जन्म जन्मांतर का जो है वो आपका इकट्ठा हुआ हुआ है, वो दोष है, वो दोष शुद्ध होता रहेगा जैसे बर्फ पिघलती रहती है। और जब जीरो हो जाएगा तो जीरो होकर के यानी कार्मण शरीर समाप्त, जब कार्मण शरीर जीरो हो गया तो आप जो है शरीर में एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये आत्मा शरीर में तभी रहती है जबकि कार्मण शरीर का कुछ अंश रहता है, यानी हमने सभी 84 लाख जीवा योनियों से जो क्षमा याचना करके और हमने उनसे एनओसी ले ली, तो आप तुरंत सिद्ध बुद्धोक्त हो जाओगे। और एक भी व्यक्ति की एनओसी बाकी है तो आपको भुगतान जो है वो करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा आपको मुक्ति। इसमें आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों, उदाहरण से, मुहावरे से, दोहे से चीज़ बहुत स्पष्ट होती है, क्योंकि उससे गागर से सागर भरा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों इस क्रम के अंदर, कि हम जो कर्ता अकर्ता भाव की बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से जो है ये बंधन के अंदर आते हैं और किस तरीके से जो है हम मुक्ति में जाते हैं, वो अकर्ता भाव से सारा आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप इस जीवन से तरना चाहते हो तो कभी भी किसी चीज़ का कर्ता भाव नहीं रखो, मालिकी पे मत रखो, और आप कुदरत के कानून में विश्वास करो कि जो भी कुदरत ये करती है वो व्यक्ति के उपादान के अनुरूप करती है और वैसे वैसे संयोग जुटाती है, अवार्ड और पनिशमेंट, पुण्य और पाप के अनुरूप संयोग बिठाती है, उस व्यक्ति को हाजिर करती है, उस वस्तु को हाजिर करनी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो है पूर्व भोग का कर्म बंधा हुआ है और उसके ठोकर लग करके और उसके खून आना है, घाव आना है, हड्डी टूटनी है, उसको साथ अवेदनीय होना है, तो उस पत्थर को ला करके और व्यवस्थित शक्ति हाजिर कर देगी या आपको उस पत्थर के पास में ले जाएगी और आपका ध्यान ऊपर हो जाएगा, ध्यान चूक जाएगा, आप पत्थर से टकरा करके आपकी हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा और आपको पक्का पाटा बंधायन पड़ेगा। तो ये सारा कार्य व्यवस्थित सकता सर्किट फाइन जो है वो हमारी जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थी वो सारा करती है। तो भाई और बहनों इस तरीके से जो हमें चिंतन करते रहना चाहिए कर्ता अकर्ता भाव का, और कर्ता भाव को हटाने के लिए हमें कुछ जो है 5 आज्ञाओं का भी चिंतन करना ज़रूरी है, क्योंकि 5 आज्ञाई मुक्ति है, 5 आज्ञाई ज्ञान है, 5 आज्ञाई भगवान राम है, कृष्ण है और महावीर है, और वही मोक्ष है, वही 24 तीर्थंकर है। 5 आज्ञा बड़ी सिंपल है और बड़ी सटीक है। 5 आज्ञा कौन सी है? रिलेटिव, रियल, अकर्ता भाव और संभाव और जागृति। देखिए पहले रिलेटिव क्या है, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा होता है, चाहे सुंदर युवती हो, उस पर बिना लुब्ध हुए हमें ये चिंतन करना चाहिए। तो हार्ड मास का पुतला है, अगर इसकी चमड़ी को अगर हटाया जाए तो इतनी बदबू आएगी कि आप वहाँ खड़े ही नहीं रह सकते, लुब्धता समाप्त हो जाएगी। रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये नामधारी है, देहधारी है, और ये जो है वो हार्ड मास का पुतला, ये रिलेटिव है। परंतु उसके साथ साथ में ये भी आप अनुभव करो कि शरीर रिलेटिव है लेकिन इसके भीतर जो प्रभु विराजमान हैं वो मूल रूप से शुद्ध आत्मा हैं, और ये शुद्ध आत्मा वही है जैसी मेरी है, चूहे की, बिल्ली है, राम की है, कृष्ण की है, महावीर है, 24 तिरुपों की। शुद्ध आत्मा में किसी कोई फर्क नहीं है। जो हमको फर्क नज़र आ रहा है रिलेटिव रूप के अंदर, वो अलग अलग अपने अपने कर्मों के अधीन, अपने अपने कर्मों के जो उदय और प्रारब्ध के अनुरूप
कर्मों के अधीन, आयुष्य कर्म के अधीन वह शरीर नजर आ रहा है। तो भाई और बहनों, ये दो आज्ञा होगी। तीसरा आज्ञा जिसकी मैं बात कर रहा था, अकर्ता भाव की, जिससे हमारी बंधन की मुक्ति होती है। तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता कुदरत है, और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत यह कुदरत कार्य करती है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, और वही सारा कार्य करती है, वही संजोग जुटाती है। उसमें व्यक्ति बिल्कुल प्रतंत्र है, व्यक्ति की बिल्कुल नहीं चलती, वो तो जो उपादान करके आ गया है। देखिए कि हम 3 घंटे का उदाहरण देता हूँ, 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसी सब्जेक्ट का एक पेपर आया, उस पेपर को हमने सॉल्व किया, 2.5 घंटे हुए, आधा घंटा हमारे पास है। आपने आद्योपांत स्टार्ट से एंड तक फिर पढ़ा और देखा कि गलत हो गया, काट के नया उत्तर लिख दिया, संशोधन किया। तो हम 3 घंटे तक संशोधन करने में स्वतंत्र थे, और 3 घंटे पूरे होते ही वह जो है पेपर हमने एग्जामिन इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर दिया। तो अब देखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पूर्व जन्म में जो पेपर दिया है उसका रिजल्ट जो है इस जन्म में मिल रहा है, उसका उपादान इस जन्म में मिल रहा है, उसका जो मार्किंग है इस जन्म के अंदर हो रही है, द्रव्य कर्म के रूप में हो रही थी, पहले भाव कर्म कर क्या हो, उसी के अनुरूप ही जो है ये सृष्टि, ये जो हमारी कुदरत और ये हमारी व्यवस्थित शक्ति जो है वो संजोग जुटाती है, उस कार्य को निमित्त खड़ा करती है, और निमित्तों के आधार पर जो है उदय भाव और प्रारब्ध होता है, और व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, हम अकर्ता भाव की बात कर रहे थे, बहुत ही सुंदर विषय है, इसको हमें बहुत जो है आगे चल करके देखना चाहिए। अकर्ता भाव का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो माँ ये चिंतन करती है, उसके प्रति मोह करती है कि ये बच्चा मेरा है, ये बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, इसके इसके इसकी बहू आएगी, वो मेरी सेवा करेगी, ये बच्चा मेरे को कमा के देगा, मुझ को बूढ़ा में सुख दे, कितनी कितनी धारणाएँ बना देती है। और एक दहाय होती है, उसको ड्यूटी दी होती है कि प्रतिदिन तुम बच्चे को नहलाओगे और इसकी देखभाल करोगे, कपड़े पहनाओगे और इसकी पूरी परिचर्या तुम करोगे। तो दहाय क्या सोचती है कि मेरी ड्यूटी है, इसको कपड़े पहनाना, इसको नहलाना धोलाना, इसको इसको भोजन खिलाना, इसको सुलाना, जो इसको सारा, ये मेरी ड्यूटी है, उसका मुझे पारिश्रमिक जो है वेतन मिलता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचती है। दोनों में कितना फर्क है, एक में तो मालिकन भाव है और दूसरे के अंदर अकर्ता भाव है। तो धाय कभी अगर बच्चे कुछ हो जाता है तो धाय कभी दुखी नहीं होती है, लेकिन बच्चा मान लो गुजर गया, बच्चा बीमार पड़ गया, तो माँ को जो है राग द्वेष होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, और धाय को नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम जो है ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं अकर्ता भाव के। आप गीता को लीजिए, गीता जो है युद्ध के मैदान में लिखी गई और 18 दिन तक युद्ध चला, उसके पहले बहुत प्रयास किए गए, भीष्म पितामह ने प्रयास किए और जो है वो द्रोणाचार्य ने प्रयास किए कि किसी तरह से दुर्योधन जो है समझ जाए, लेकिन दुर्योधन दुर्जन व्यक्ति था, नहीं समझा। भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके आए, उन्होंने जो दुर्योधन को कहा कि भाई युद्ध होगा तो युद्ध के अंदर लड़ाई में लड्डू नहीं बांटते हैं, जन और धन की बहुत अपार हानि होगी, क्योंकि सेनाएं लड़ेगी, अपार हानि होगी, तो तुम 5 भाई वो संतुष्ट हैं, अगर एक एक को एक गांव दे दो, तुम्हारे पास सैकड़ों गांव है जिसके तुम मालिक हो, धृतराष्ट्र जो अंधा है उसे वो उसके वारिश तुम और गद्दी पे तुम बैठने हो, और गद्दी के रूप में तुम बैठ के सारा राजकुमार का कार्य कर रहे, 5 गांव दे दो। तो उन्होंने दुर्योधन ने उत्तर दिया कि 5 गांव क्या है, चलिए, तिरस्कार किया भगवान कृष्ण का कि मैं जो उन पांडवों को जो एक सुई की अणी जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, तिरस्कार करके वापस भेज दिया। तो भगवान कृष्ण को जो है अब युद्ध छिड़ता है, तो युद्ध 18 दिन चलेगा, उस युद्ध के अंदर ये निर्णय हुआ कि मुख्य 2 योद्धा आमने सामने लड़ने वाले, दुर्योधन और अर्जुन, तो मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए, एक तरफ तो 16 अक्षुणी सेना है
और दूसरी तरफ जो है ये निहत्ता वो जो भगवान कृष्ण है तो किसको क्या लेना है। तो दुर्योधन ने तो जल्दी करी, उन्होंने कहा ये तो निहत्ता छलिया है, इससे मेरा क्या भला होने वाला है, मेरे पास तो लड़ेगी तो सेना लड़ेगी। तो अक्षुणी सेना को उसने लिया, वो उसको मिली और जो है अर्जुन ने कहा मुझे तो जो है ये नियत है कैसे सारथी के रूप में भगवान कृष्ण चाहिए परामर्श के रूप में। तो भगवान कृष्ण सारथी बने, वो विराट स्वरूप बताया कि मेरा ये विराट स्वरूप अनंत बड़ा स्वरूप है उन्होंने। और जो ही युद्ध चालू हुआ तो युद्ध के समय के अंदर जो है दुर्योधन ने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा कि मेरे सामने भीष्म पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है और मेरे कौरव सैकड़ों भाई है, मेरे भतीजे हैं, चाचा है, मैं किससे युद्ध करूँ, मैं मेरों से युद्ध करूंगा और इनका खून बहाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में पीठ नहीं बताई जाती है और तुम तो अकर्ता भाव से काम करोगी। ये अर्जुन है, ये तो रिलेटिव है, ये जो लड़ेगा ये अर्जुन लड़ेगा क्योंकि इसकी ड्यूटी दी गई है। और जो भीतर तुम्हारे बैठा है वह जो प्रभु है, वो चेतन तत्व है, वो अलग है, उसको जो भेद विज्ञान कराया कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो और ये लड़ने वाला अर्जुन है, अर्जुन अलग है, तुम अलग हो, उसको विधेय बनाया और सारा विधेय बना करके और उसको लड़ाई की कर्तव्य रूप के अंदर निष्काम कर्म के रूप में तुम्हें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना क्योंकि तुम अपनी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पे तो थोपा गया है और तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ड्यूटी का पालन करना भी धर्म होता है। तो इस तरीके से 18 दिन तक युद्ध चला और भगवान कृष्ण ने जो जो शिक्षा दी, पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग और तीसरे 6 दिन के 3 अध्याय ज्ञान योग और एक उपसंहार रूप में ध्यान योग करके गीता आज एक विश्व वंदनीय जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और उस गीता के ऊपर किसी भी कोर्ट के अंदर गीता पे हाथ रखाया जाता है, उस एविडेंस देने वाले को जो मैं कहूँगा गीता पे हाथ रखकर शपथ खाता हूँ, ईश्वर की शपथ खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, इतना पूजनीय और पवित्र जो है और विश्व मानता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि गीता अकर्ता भाव से जुड़ी हुई है। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और इसको आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपका ज्ञान दूर होके आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सही दृष्टि सही सोच मिलेगी, तभी आप एक अच्छे इंसान बनोगे। और हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व को सुधारना चाहते हैं, उसकी छोटी इकाई मनुष्य को सुधारना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच।